हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर बैंक में जितनी भी पोस्ट होती है उनकी सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे एग्ज़ाम देने से पहले कि आखिर हम इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी हमें सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक पीओ और बैंक क्लर्क और आरआरबी बैंक की सभी पोस्टों की सैलरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक पीओ की सैलरी के बारे में। जी हाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की सैलरी के बारे में। ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में काम करने वाले और गवर्नमेंट बैंक में काम करने वाले पीओ की सैलरी कुछ हद तक समान ही होती है, लेकिन शहरों और कंपनी के आधार पर इनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। पीओ की बेसिक सैलरी 23,700 रुपये पर मंथ होती है और उसके साथ उसे 7 सालों तक 980 रुपये का सालाना इंक्रीमेंट भी मिलता है और 7 साल बाद उसकी बेसिक सैलरी 30,560 रुपये पर मंथ हो जाती है और उसके बाद आगे के 2 साल तक उसे 1,145 रुपये का सालाना इंक्रीमेंट प्राप्त होता है और 9 साल बाद उसकी सैलरी 32,850 पर मंथ हो जाती है और इसके अगले 16 सालों तक इसकी सैलरी 42,000 रुपये तक हो जाती है। एक बैंक पीओ को बेसिक सैलरी के अलावा भी और भी बहुत से अलाउंसेस होते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं होती है जो कि उनको मिलती है। इसके लिस्ट आपको हमारी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही होगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस और ऑफिसर असिस्टेंट की सैलरी की। आईबीपीएस ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की सैलरी प्रति माह 15,000 से लेकर 19,000 रुपये तक होती है और अगर हम आरआरबी के अन्य पोस्ट भी देखें तो ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी 29,000 से 30,000 रुपये प्रति माह होती है और ऑफिसर स्केल 2 की सैलरी 33,000 से 39,000 तक होती है और ऑफिसर स्केल 3 की सैलरी 38,000 से 44,000 तक होती है। और साथ ही दोस्तों, इन सभी को अपनी बेसिक सैलरी के अलावा भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो इनको उनकी पोजीशन और किस शहर में वो रह रहे हैं उसके अनुसार मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं बैंक क्लर्क की सैलरी क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अगर बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं या फिर आपका बैंक क्लर्क पोजीशन पे सिलेक्शन हो चुका है तो उसकी सैलरी क्या है, इसका जवाब भी आपको हमारे इसी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क के वेतन में बेसिक पे और अन्य अलाउंसेस भी शामिल होते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का शुरुआती बेसिक पे 11,765 रुपये होता है और आपके हर साल 655 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। इस तरह से वृद्धि के बाद अगले 3 साल बाद आपका बेसिक पे 13,730 रुपये होता है और उसके अगले 3 सालों तक 815 रुपये वेतन वृद्धि होती है तो आपको सैलरी उस समय 16,175 रुपये प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह से बढ़ते हुए आपकी मैक्सिमम बेसिक पे सैलरी 31,540 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो की सबसे ज़रूरी बातें जो हमने आपको बताई। हमने आपको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क इन सभी की पोस्ट की सैलरी के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।